चार तरफ से बॉर्डर जो हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर एक ऑब्स्टैकल जो वहां बैरिकेड की हुई थी बैरिकेडिंग उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की लाल किले की तरफ चले गए। सो जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष अपना प्रोटेस्ट अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया, इसलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था और ये झंडा हमारी इस देश की डाइवर्सिटी जो हमारी डाइवर्सिटी है उसकी पहचान है। देखिए आप डाइवर्सिटी को इस तरह मत देखिए, बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी या हमारे गुरु साहिबान या श्री गुरु ग्रंथ साहब से हमने सीखा है, डिफरेंट बट इक्वल। सो डिफरेंट बट इक्वल जो डाइवर्सिटी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सो इस देश की एकता और अखंडता के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाए हैं, किसी ने वहां से फिरकू और भड़काने वाली बातें नहीं की हैं। लाखों लोगों ने, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई, लाखों लोग इस बहाव में बहे। वो एक ऐसा बहाव है, अगर आप उस बहाव को नहीं समझेंगे और उसको सिर्फ आज की घटना को आइसोलेशन में देखने लगेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। ये एक पहले जो प्रोसेस चल रहा था उसकी कंटिन्यूशन है। इतने समय से हमें 6-7 महीने हो गए ये प्रोटेस्ट करते हुए, उस प्रोटेस्ट में 6-7 महीनों की कंटिन्यूशन है जो ये चल रहा है जो आज हुआ। सो इसको आइसोलेशन में मत देखिए, ये घटना